के किन्नरों में लंबे समय से चल रही वर्चस्व की लड़ाई आज चौराहे पर रोष के रूप में बदल गई। इंदौर के द्वारकापुरी थाने के सामने चौराहे पर बुधवार को उस समय हंगामा मच गया जब बड़ी संख्या में किन्नर द्वारकापुरी थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते कुछ किन्नरों ने थाने के सामने ही बेशर्मी का नंगा नाच मचा दिया। बुधवार को करीब आधा दिन बीतने के बाद द्वारकापुरी थाने के सामने चौराहे पर उसी क्षेत्र के रहने वाले किन्नरों ने आरोप लगाया कि नंदलालपुरा क्षेत्र के किन्नरों द्वारा उनको लंबे समय से विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है। किन्नरों का आरोप है कि उनके प्रतिद्वंदी कुछ किन्नर उन्हें पकड़ कर मारते पीटते गए और उन्हें HIV इंजेक्शन जबरदस्ती लगा रखे गए। कुछ किन्नरों ने मीडिया के सामने कहा कि उनके बाल काट कर उन्हें गंजा तक किया जा रहा है। आखिर में प्रताड़ना से तंग आकर द्वारकापुरी किन्नर गुट ने पुलिस थाने के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर में वर्चस्व और नेक लेने से शुरू हुए विवाद में एक गुट थाने पर पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा प्रताड़ित किन्नरों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है, वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है। ये देखो बाल काटे, देखो उन्होंने, देखो ये कौन सी प्रशासन ने अधिकार दिया है किसी के बच्चों को मारना, गंजा करना, चाकू मारना। ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? दो घंटा हो गया ये थाने को, द्वारकापुरी थाने के अंदर हम लोग बैठे हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज जब तक के वो हिरोइन नहीं आएंगे, किसने मारा है, किसने मारा करेंगे? किसने मारा? सपना हाजी, पायल, अंजलि, सोनम, काजल, क्या करा हम ले गए उठा के वो इन लोग को मारा, हमारे पूरा गंजा कर दिया, उसको HIV के इंजेक्शन लगा दिए। आज दिन का यही आतंक है इनका भी, कुछ समय पहले इसको मारा था, इसको 6 महीने पहले मारा, इसको HIV हो गई। ये पूरी रिपोर्ट है, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। आपका नाम क्या? मेरा नाम जोया कुंवर। ऐसा कौन सा मजिस्ट्रेट जो इतना इनको अधिकार दे रही है?